गुलाटी स्कूल ऑफ फोटोग्राफी की तरफ से शादी की एडिटिंग के लिए ADS के 7, 8 और 9 सॉफ्टवेयर के लिए रेडीमेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये प्रोजेक्ट्स शादी की सभी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे शगन का, रिंग सेरेमनी का और शादी का स्टार्ट सेराबंदी से लेके एंड तक डोली तक और घर आके, ऐसे सभी सिचुएशंस के लिए रेडीमेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिससे आप जो काम घंटों में होता है वो आप मिनटों में कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसमें आपको ट्रेनिंग दिया है कैसे आप खुद से नए गाने का प्रोजेक्ट 5 मिनट में बना सकते हैं। तो ऐसे आपको कभी भी आगे से डाटा लेने का ज़रूरत नहीं रहेगा, आप कोई भी नए गाने का प्रोजेक्ट बना सकते हैं खुद से, वो भी अपने स्टाइल से। तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि ये हमने प्रोजेक्ट किस टाइप के बनाए हैं, हमारा तरीका क्या है, तो वो आगे आप वीडियो देखेंगे। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो आप ये डाटा ले सकते हैं, आप इसको DVD के थ्रू मंगा सकते हैं या आप पेन ड्राइव में ये डाटा ले सकते हैं। तो अभी आगे आप वो वीडियो देखिए। हमने वीडियो एडिटिंग को बहुत ही आसान कर दिया है। पहले हम बात करते हैं ऑटो एडिटिंग की। ऑटो में क्या होता है, जैसे आपकी पूरी मैरिज होती है, उसी पूरी मैरिज के हमने प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं। आपको कोई भी काम करना है, गाना उठाया रखा तो आपका गाना तैयार। तो पहले हम उसकी बात करते हैं कि वो कैसे काम करता है। जैसे आपने अपने टाइमलाइन पे ये वीडियो रख लिया तो आप क्या करेंगे, पहले अगर आपको कोई क्लिप नहीं चाहिए तो आप उसको पहले डिलीट कर लेंगे। जैसे ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, जो जो मुझे क्लिप नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करता जाता हूँ कि ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसे मैंने डिलीट कर दिया। मान के चलते हैं किसी क्लिप की क्या होता है, कई बार उसकी गड़बड़ होती है, ब्लैक ज़्यादा वो हो जाता है, हमारा कैमरा उसने डार्क बना दिया, उसको करेक्शन की ज़रूरत है। तो आप इफेक्ट में जाके तो आप क्या करेंगे, इधर कलर करेक्शन एक इफेक्ट है वो उठा के लगाएंगे, और इन्फॉर्मेशन में जाके आप उसको कम ज़्यादा, जैसे आप इधर देख रहे होंगे कि उसकी जितनी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हो, कलर की ज़रूरत है, जैसे आप फोटोशॉप में करते हो, ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। आपने फालतू डिलीट कर दिया, कलर करेक्शन कर दिया, कोई आपको स्लो मोशन करना है तो आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे ये मान के चलते हैं कोई जैसे ये सेहरा बांध रहे हैं, मान लो ये इसको काम डालना है, मैंने ये देखा कि ये अभी डालेगा तो मुझे ये स्लो मोशन करना है, तो मैं इसको खाली कट मार के इसको इसका स्पीड में जाके इसकी स्पीड कम कर दूंगा तो ये इसका स्लो मोशन हो जाएगा, ऐसे इसने ये स्लो मोशन कर दिया। तो ऐसे हम करते, स्लो मोशन कर दिया, करेक्शन कर दिया और फालतू डिलीट कर दिया। अभी मुझे इस पर गाना लगाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले अपना देखूँगा कि मुझे कहाँ तक आवाज़ नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये जो भी बोल रहे हैं मुझे ये आवाज़ नहीं चाहिए, खाली जब ये गुरुद्वारे में जाते तब मुझे आवाज़ चाहिए, मान के चलते हैं, तो मैं यहाँ तक सारा इसका एक शॉर्टकट से इसकी आवाज़ डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मुझे सेहराबंदी का गाना लगाना है, तो आप ऐसे जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ आप इसमें जाएंगे और आप हमारी हार्ड डिस्क में जाएंगे, जहाँ आपको जैसे ये डाटा मैं दिखाता हूँ, हमारा ये डाटा होता है उसमें हर एक फंक्शन के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, कोई भी टाइटल सेहराबंदी, हाईलाइट, नाइट, ये वो सब कुछ के प्रोजेक्ट है। आपको हिंदी चाहिए तो आप हिंदी के ये स्टार्टिंग सेहराबंदी, मंदिर, रास्ता, सेहराबंदी उसके हैं, अगर आपको पंजाबी करनी है तो आप पंजाबी में जाएँ, उसको आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो अभी मुझे सेहराबंदी करनी है तो मैं सेहराबंदी का प्रोजेक्ट लेके ओपन करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सेहराबंदी के सारे गाने आ गए, आप ये गाने के ऊपर नाम भी गाने का लिखा हुआ है, आप गाने को चला के भी देख सकते हैं, आपको जो गाना चाहिए आप गाना वो ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे, जैसे आपको ये गाना चाहिए तेरे शेर नु सजाया या वाजे वाजदे, जो भी आपको लेना है गाना आप वो गाना ले सकते हैं। जैसे मुझे ये गाना चाहिए तो मैं मत्थे चमकावा ले लेते हैं, चलो छोटा गाना ये लिया और जहाँ मुझे इसको लगाना है मैंने इसको वहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा गाना आ गया। उसमें गाने में क्या होता है, आपको जो जो चाहिए, जैसे तूतनी बज रही है तो ये आ गया उसका
उसके बाद क्या होता है, ये बॉर्डर चाहिए था, बॉर्डर अपने आप आ गया, इफेक्ट लगा इफेक्ट अपने आप। तो कहने का मतलब जो जो भी एक डिमांड मिक्सिंग में होता है, हम इफेक्ट लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं ऑटो मिक्सिंग में, वो सारा कुछ अपने आप हो जाता है। जैसे ये बॉर्डर लग गया इसका स्टील का, तो ऐसे मुझे ये गाना लग गया। उसके बाद मुझे दूसरा गाना लगाना है, तो मैं इसके साथ अभी सीक्वेंस में जाऊंगा, तो दूसरा गाना जो मुझे चाहिए मैं उसको कॉपी कर लूँगा और वहाँ लगा दूँगा। तो मैं ये कॉपी किया, तो मैंने अपने उधर जाके इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल, आपको कुछ नहीं, खाली कॉपी पेस्ट करनी। जैसे अभी देखो म्यूजिक का इफेक्ट आया था, तो ये म्यूजिक का इफेक्ट लगा है, ये वाइट सा आपने देखा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ ये क्लोज करके। तो ये जैसे वाइट का इफेक्ट है, म्यूजिक के हिसाब से अपने आप लग गया, ये बॉर्डर आ गया, ये इफेक्ट आ गया, ये लिखे आ गया अपने आप, सुरमा उसका वर्डिंग बोल रहा था, यहाँ म्यूजिक बज रहा है, ये म्यूजिक का इफेक्ट है। आगे जाके लड़की की जरूरत है, दुल्हन की, ये देखो लड़की की फोटो अपने आप आ गई। कहने का मतलब जहाँ भी जरूरत है सब कुछ अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप जैसे अभी यहाँ आगे गुरुद्वारा आ गया था, तो मुझे क्या करना है, जैसे गुरुद्वारे में जाके दूसरा गाना चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, आगे वाला हटा दूंगा और इसको करके कट मार के, तो इसका वॉल्यूम फेड कर दूंगा ताकि आवाज़ फेड हो। तो अभी मैं आगे दूसरा गाना लगा लूँगा, मुझे सेहरा बंदे के नहीं चाहिए, और मैं क्लोज़ कर दूंगा और आगे मैं ले लूँगा, जैसे गुरुद्वारा आ गया तो गुरुद्वारे का गाना ले लिया। तो ऐसे पूरी शादी के गाने बने हुए हैं, आपको सिर्फ गाना उठाना है, पेस्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना हो रहा। एक घंटे में आप अपनी पूरी 3 घंटे की एडिटिंग कर लेंगे। तो मैं आगे इसके ये गुरुद्वारे का गाना मैंने लगा दिया, ये हरिमंदर साहब का सीन अपने आप आ गया, उसके बाद बाबा नानक की फोटो अपने आप आ गई। आप ऊपर देखते रहो यहाँ क्या क्या होता है, जैसे ये अभी उसकी बाबा नानक की फोटो आ गई, उसके आगे इफेक्ट आ गया, तो फिर बाबा नानक, जैसे गाने की रिक्वायरमेंट होती है हरिमंदर साहब की फोटो आ गई। तो कहने का मतलब जो जो भी गाने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम एडिटिंग बोलते हैं, इसको ऑटो जरूर बोलते हैं। ऑटो का मतलब ये होता है कि जो भी गाने की डिमांड है वो सब कुछ अपने आप हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको इतना आसान मत समझो कि ये आसान है, ये बहुत मुश्किल है प्रोजेक्ट बनाना, लेकिन आपको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमारे पास स्टिल फोटोग्राफी, स्टिल कैमरे, वीडियो कैमरे, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप करिश्मा के सभी तरह के कोर्सेज की DVD मिलती है। आप उन्हें घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में भी उपलब्ध है। तो अगर आप कोई भी कोर्स की DVD लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।